दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम T20 वर्ल्ड कप 2022 वर्सेस T20 वर्ल्ड कप 2024 से कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग रिकॉर्ड्स और स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड किस टीम ने और किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। तो क्यों ना इस वीडियो को शुरू करें बिना किसी देर के। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टोटल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जबकि 2024 में टोटल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगर मैचेस की बात करें तो 2022 के वर्ल्ड कप में टोटल 45 मैच खेले गए थे, जबकि 2024 में टोटल 55 मैच खेले गए थे। अगर बात करें कि वर्ल्ड कप मैचेस किस कंट्री में हुए थे, तो 2022 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो बनाई गई थी वो बैट्समैन्स और बॉलर्स दोनों को सपोर्ट करती थी, जबकि 2024 के वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्टर्न डीज में करवाया गया। और अगर पिचेस की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में पिचेस ने बॉलर्स का साथ दिया था, शायद इसी वजह से वर्ल्ड कप में इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। वर्ल्ड कप 2022 में जो सुपर फोर में टीमों ने हिस्सा लिया, उनमें क्वालिफाई करने वाली टीम इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड थी। अगर 2024 की बात करें तो इसमें इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान टीम शामिल थी। अब बात करेंगे कि दोनों वर्ल्ड कप की चैंपियंस टीम कौन कौन सी थी। तो 2022 के वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंग्लैंड थी, जिसने पाकिस्तान को फाइनल मैच में 5 विकेटों से हराया था। जबकि 2024 के वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया थी, जिसने साउथ अफ्रीका को 7 रन से फाइनल मैच हराया था। अगर बात करें कि दोनों वर्ल्ड कप में किस टीम ने ज़्यादा मैचेस विन किए थे, तो 2022 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने 6 मैचों में से 5 मैच विन किए थे, जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच इंडिया ने विन किए थे। फाइनल मैच ऐड करके 8 मैचों में से 8 मैच अपने नाम किए थे। अगर सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम की बात की है, तो सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम की बात ना करें तो शायद नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो 2022 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम श्रीलंका थी, 8 मैचों में से 4 मैच हारी थी, जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम PNG थी, जिसने ग्रुप 4 मैचों में से 4 मैच ही हारे थे। अगर बात करें एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन्स की, कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, तो 2022 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे, 205 रन्स, जबकि बांग्लादेश ये स्कोर नहीं चेज कर पाई थी। अगर 2024 की बात करें तो इसमें वेस्टइंडीज ने बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ 218 रन्स, जो कि अफगानिस्तान भी नहीं बना सकी थी। अगर सबसे कम एक इनिंग में रन्स की बात करें तो 2022 के वर्ल्ड कप में UAE ने श्रीलंका के खिलाफ रन्स चेज करते टाइम सिर्फ 73 रन्स ही बनाए थे, जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में युगांडा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 39 रन्स ही बनाए थे चेज करते टाइम। अगर दोनों वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन्स चेज की बात करें तो 2022 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने रन्स चेज किया था स्कॉटलैंड के खिलाफ 176 रन्स, जबकि वर्ल्ड कप 2024 के में यूएसए ने कनाडा के खिलाफ 154 रन्स का पहाड़ जैसा रन्स चेज किया था। अगर दोनों वर्ल्ड कप की प्राइज मनी की बात करें तो 2024 के वर्ल्ड कप में $5.6 मिलियन थी, जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में टोटल प्राइज मनी $11.2 मिलियन थी, जो इस साल T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्राइज मनी दी गई थी वो T20 वर्ल्ड कप 2017 से लेकर 2024 तक सबसे हाईएस्ट प्राइज मनी थी।
अब हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करने वाले हैं। तो 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर विराट कोहली ने बनाए थे अपने टोटल इनिंग्स में 296 रन्स, जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के प्लेयर रहमानुल्ला गुरबाज ने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए थे 284 रन्स। अगर एक ही इनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज की बात करें तो 2022 के वर्ल्ड कप में रैली रोसो ने बांग्लादेश के खिलाफ 109 रन्स बनाए थे। जी दोस्तों, अगर आपने ये मैच नहीं देखा था तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो मैच जाकर ज़रूर देखें। रैली रोसो की बैटिंग आप ज़रूर इंजॉय करने वाले हैं। जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन्स जो बनाए थे वो निकोलस पोरन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 98 रन्स बनाए थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर था। तो 2022 के वर्ल्ड कप में फाइनल के मैन ऑफ द मैच सैम करन थे, जिन्होंने फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 12 रन्स देकर 3 विकेटें ली थी। जबकि 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे, जिन्होंने 76 रन्स की बारी खेली थी और मुश्किल वक्त में परफॉर्म करके इंडिया को वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी दिलवाई। अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो 2022 में सैम करन थे, जिन्होंने 22 के वर्ल्ड कप में 13 विकेटें ली थी। जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह थे, जिन्होंने 15 विकेटें ली थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचों में अच्छी बॉलिंग की थी। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा छक्कों की, कि किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे। तो वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा सिक्सेस सिकंदर रजा ने लगाए थे, पूरे इवेंट में 11 सिक्सेस। जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सिक्सेस निकोलस पोरन ने 17 सिक्सेस लगाए थे पूरे इवेंट में। अगर एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्कों की बात करें तो 2022 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के रैली रोसो ने एक इनिंग में 7 सिक्सेस लगाए थे, जबकि 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सिक्सेस एक ही इनिंग में जॉनसन ने लगाए थे, जो कि यूएसए के प्लेयर थे। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो मोस्ट वेलकम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वैसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा साथ दें।